आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। राहुल गांधी ने मणिपुर से 670 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जोश खरोश के साथ शुरू। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कौमी तिरंगा लहराकर यात्रा का किया आगाज। रविंदर अरेना ने जम्मू में तीर्थ स्वच्छता मुहिम का किया आगाज। माया माया मंदिर जम्मू में आज खुद सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। साबिक फौजियों और बुजुर्गों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने नहीं छोड़ी है कोई कसर। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह। कांग्रेस के सीनियर लीडर मलंद देवड़ा ने तोड़ा कांग्रेस के साथ अपना 55 साल नाता। शिवसेना में बाजाब्ता तौर पर हुए शामिल। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सारे उठाए हैं इकदाम। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु का बयान। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त के बाद इंडिया ब्लॉक की इतिहादी सीट शेयरिंग पर तजब्जब के शिकार इतलात नशरात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर। पुंछ और राजौरी में अमन और तरक्की देखकर पड़ोसी बौखलाहट का शिकार शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा द्विवेदी। खुशक मौसम के बीच वादी में आतशजदगी के वारदातों में मुसलसल हो रहा है इजाफा। अनंतनाग और श्रीनगर में 3 रिहायशी मकानात शोलों के नजर। और जम्मू में मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, सर्दी को किया गया अलविदा। और अब इन खबरों की तफसील। कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से आज शुरू की गई। इस मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कौमी तिरंगा लहराकर वंदे मातरम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तकरीब में हजारों लोग मौजूद थे। आपको बताते चले, पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सफर किया। अब की बार इस यात्रा को अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा, कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस, यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है CLC एयरपोर्ट रोड परेपुरा श्रीनगर ने। CLC ने 100 दिनों के फ्री क्रैश कोर्स का ऐलान किया है। आज ही CLC के साथ राबता करें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू में माया माया मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। ये मुहिम मुल्क भर में तमाम मंदिरों और दीगर मजहबी मुकामात के आसपास 14 जनवरी से 22 फरवरी तक चलाई जाएगी। इतवार के रोज भारतीय जनता पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना ने माया माया मंदिर जम्मू में खुद भी स्वच्छता मिशन के तहत मुहिम में हिस्सा लिया और दूसरे लोगों को भी सफाई की तरगीब दी। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देशवासियों से आह्वान किया है कि मकर संक्रांति का जो पावन दिन है 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक देश के अंदर जितने पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों में स्वच्छता बनाएं, स्वच्छ भारत
अभियान के तहत स्वच्छता में हम भाग लें, ताकि अपने जो तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं, उनकी भव्यता, उनकी पवित्रता और उनकी स्वच्छता बनी रहे। ये हम सब का दायित्व है। प्रत्येक भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को लेकर पूरे देश भर के साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इस स्वच्छता अभियान में जुटा है। स्वच्छ भारत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का आयाम है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर देशवासी, हर जम्मू कश्मीर वासी स्वच्छता और वो भी अपने तीर्थ स्थानों की, देव स्थानों की, पवित्र स्थानों के ऊपर स्वच्छता, भव्यता और पवित्रता को बनाने में सहयोग करेंगे और खुद भी इस स्वच्छ भारत का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को साबिक फौजियों की फलाह बहबूद के तई हुकूमत की अहद व वाबस्तगी को दोहराते हुए कहा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करने से लेकर हिफ्जान सेहत और दोबारा मुलाजमत फराहम करने तक हुकूमत मुल्क के मुअम्मर अफराद की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रही है। साबिक मरकजी वजीर मलंद देवड़ा इतवार की सुबह कांग्रेस छोड़ने के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जुनूबी मुंबई लोकसभा सीट के साबिक मेंबर पार्लियामेंट देवड़ा ने दोपहर को वजीर आला की सरकारी रिहाइश गाह पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हुक्मरान जमात शिवसेना में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ये उनके लिए बहुत जज्बाती दिन है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका 55 साल नाता अब टूट गया है। पेश है रिपोर्ट। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने अपने एक बयान में कहा कि वजीर अजम हिंद नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली भाजपा हुकूमत ने मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सारे मस्बत इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर अजम मकामी मसनूआत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इनका प्रोग्राम वकल फॉर लोकल है, जिस तरह एक जिला एक प्रोग्राम। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने मजीद बताया कि वजीर अजम ने एक स्टेशन प्रोडक्ट स्कीम बनाई है, इसके तहत स्टेशनों पर 1000 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा लोकल प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं। उनका प्रोग्राम है वोकल फॉर लोकल, और एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की तरह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक स्कीम बनाया हुआ है मोदी जी ने, जिसमें देश भर में करीब करीब 1000 से ज़्यादा स्टॉल्स स्टेशन्स पे लगे हैं। जैसे आप ये वाले स्टॉल देख रहे हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये कटक का फेमस माणियाबंद हो जो बुनकर एक स्पेशल वैरायटी है, उस वैरायटी का ये काम है। उसको कटक के रेलवे स्टेशन पे जगह मिली, इससे पिछले सप्ताह ही इन लोग डिमांड किए थे। हाँ, पिछले हफ्ते ही माणियाबंद जाने के दौरान
डिमांड आई थी और उसको जल्दी से काम कर लिया। मरकजी वजीर बराए इत्तलात नशरात अनुराग ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शिकस्त के बाद जो पार्टियां कांग्रेस से वाबस्ता हैं वो उनके साथ सीट शेयरिंग पर अब तजब्जुब के शिकार हुए हैं और कांग्रेस के इस मौजू को ताखीर के ओर मोड़ रहे हैं। इस सूरत हाल में किस को इंसाफ मिलेगा ये तो मालूम नहीं है। पेश है उनके तासरा। छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हेमंता बिस्वा जी हो, कल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, आरपीएन सिंह हो, जितेन प्रसादा हो, ऐसे अनेकों अनेक नेताओं के बाद अब मिलिंद देवरा जी, जिनके परिवार 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा था, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दी क्योंकि न्याय नहीं। फौज के शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पुंछ और राजौरी जैसे पहाड़ी अजला की तरक्की और खुशहाली पड़ोसी मुल्क को हजम नहीं हो रही है, इसलिए सरहद पार से इन अजला में अमन को सबोताज करने के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। खुश्क मौसम के दरमियान वादी में आतशजदगी के वारदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इतवार के रोज जिला अनंतनाग और श्रीनगर में 2 अलग-अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान शोलों के नजर हो गए। आतशजदगी के इन वारदातों में लाखों का इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गया है। वाजरहे पिछले कुछ हफ्तों में वादी के अतराफ अकनाक में आतशजदगी के दर्जनों वारदात पेश आए। पेश है ये रिपोर्ट। सुबह जम्मू में और उसके मुल्हिका इलाकों में लोहड़ी का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस त्यौहार को जोश और वलवले के साथ मनाने की बहुत पुरानी रिवायत है जो मौसम सरमा से बाहर की तरफ मुंतकिली की अलामत है। लोहड़ी त्यौहार के जरिए सर्दी को अलविदा किया जाता है। ताहम जम्मू में इस साल जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ी है जिसकी वजह से लोग परेशान है। पेश है ये रिपोर्ट। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है रेकॉर्ड गीजर्स ने। रेकॉर्ड गीजर्स 25 सालों से आजमाया हुआ वादी कश्मीर की आवाम के लिए एक भरोसेमंद नाम। रेकॉर्ड गीजर्स वादी के तमाम लीडिंग सैनिटरी वेयर शोरूम्स पर दस्तियाब है। तो नाजरीन ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर।